तैयारी है योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की जिसमें आधा दर्जन नए चेहरों को जगह मिल सकती है मौका मिल सकता है योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में लखनऊ से हमारे साथ राजन सिंह हमारे संवाददाता तो जुड़ रहे हैं राजन बड़ी खबर से कहा जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार की सुखबुगाहट जो है वो तो पहले से ही आ रही थी इस तरह की खबरें की मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा राजन पूरी तैयारी भी चल रही है आपको बता दें कि जिस तरह से अब चुनाव नजदीक आ रहा है अब चेहरे जो है इसमें मंत्रिमंडल में हेरा फेरी किया जा रहा है आपको बता दें कि जिस तरह से जाति और क्षेत्र के आधार पर समीकरण करके और इसके बाद से ध्यान रख के मंत्रिमंडल का जो है फेर बदल किया जा रहा है इसमें आधे दर्जन चेहरे जो हैं नए हो सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है लखनऊ में काम हुआ है जाति को ध्यान में रख के और किस किस अन्य प्रकार की जातियां हैं तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे को ले आया जाएगा हर जाति के हमारे ख्याल से रखा जाएगा कि जो अपने अपने जात विराद में राजनीति करने में उनको लाभ मिले इसलिए चेहरे जो है बदल किए जा रहे हैं तमाम जो विपक्षी पार्टी भी हैं वो भी अपना इस तरह से फेरबदल करना स्टार्ट कर दी है लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसके लिए पूरी जो है दिल्ली में इसकी बैठक करेंगे और जिसके बाद से जो है वहाँ पे इस बात पर बात विचार करके जो नए चेहरे लाने हैं उनकी वहां पे समीक्षा जो है पहले से कर लिया गया है कि कौन कौन रहेगा अभी तक वो चेहरे हालांकि साफ नहीं हुए हैं कि नए चेहरे कौन कौन से रहेंगे लेकिन आपको बता दें कि आधे दर्जन लगभग चेहरे जो है नए हो सकते हैं मंत्रिमंडल में ये फेरबदल नया जो है एक बड़ा जो है प्रदेश के लिए काम करने के लिए नए चेहरे जोड़े जा रहे हैं बिल्कुल संतुलन बैठाने की कहीं ना कहीं राजन जैसा कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जातीय संतुलन जो है वो बैठाने की भी पूरी पूरी कोशिश जो है इस बार जो चेहरे होंगे लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जो है कल केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं इस बारे में क्या जानकारी है देखिए यही बात है जो जो नए चेहरे हैं वो कितना कारीगर रहेंगे कितना काम कर पाएंगे इसके लेके पहले समीक्षा हो चुकी है इसी को लेके स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे, पहुंचेंगे और इस पे बैठक करेंगे कि क्या कितना ये जो नए चेहरे लिया जा रहे हैं कितना उचित रहेगा अनुचित रहेगा इन्हीं सब मुद्दों को लेके बात होगी आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनेक जाति हैं और उनपे राजनीति हमेशा से जो है जोर तोड़ पे चली है तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान ये जातियों में बात विवाद ना हो अभी आपने देखा होगा कुछ ही समय पहले अः परशुराम जी का मूर्ति बनाया जा रहा था तो इस पे बहुत सारे टिप्पणी हुई थी जाति विवाद जो है इस मामले को लेके काफी तेज हो गया था तो इन सब चीजों आने वाले चुनाव में बात बिगड़े ना उस उसके लिए पहले ही मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है नए चेहरे को उतारा जा रहा है जी धन्यवाद आपका राजन तमाम जानकारी दे